Hey बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल चलते हैं तो हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न देकर चली गाइस so ऐसे में आपके लिए तीन स्टॉक्स चुन के लाया हूँ वो भी टेक्निकल चार्ट के बेसिस तो में जिनके मैं आपको चार्ट दिखा के बताऊंगा कि, कि किसको बाय करना है किसको सेल करना है क्योंकि जब मैंने अपनी एक पिछली वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर के लिए बताया था कि कौन से स्टॉक्स आपको बाय या सेल करके चलने हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी आउटलुक बताया था तो उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप चार्ट्स देख के हमें स्टॉक्स को रिकमेंड करिए सो वो पहली वीडियो में आपके साथ लेकर आने वाला हूँ जिसमें जनवरी टू की सीरीज में आपको कौन से तीन महारथी स्टॉक्स बाय या सेल करके चलने जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है जिसमें से दो लार्ज कैप में आपके लिए लेकर आया हूँ एक मिड कैप लेकर आया हूँ Guys, अब हम देख सकते हैं कि 2019 बहुत अच्छा रह सकता है और इसमें शायद न्यू हाइस बन सकते हैं तो अब हमें देखना बाकी है कि जनवरी 2019 में क्या हो सकता है क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले साल 2019 में यानी कि जो इस साल 2019 हजार उन्नीस जैन टू था वो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा गया था जैन टू में हमारी मार्केट के लिए अच्छा गया था अब हमें देखना ही है कि जैन टू हमारी मार्केट के लिए अच्छा जाता है या नहीं जाता सो तो गाइस अगर मार्केट अच्छा जाता है या नहीं जाता तो हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर चल रहे हैं जिसमें दो बाय के हैं एक सेल के हैं जिसमें आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से मिल जाएगा सो so बढ़ते हैं पहले तीन स्टॉक्स की तरफ मैं आपको रिटर्न टारगेट स्टॉप लॉस बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको चार्ज में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा क्यों मैंने आपको ये सिलेक्ट करवाया गाइस वो चार्ज को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैं बाय कर रहा हूँ या इस तरीके से मैं सेल कर रहा हूँ अगर आप मेरी बातों को ऑब्जर्व करेंगे मेरे चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आने वाले टाइम में आप खुद भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि खुद भी आप अपना पोजिशन खुद बना सकते हैं तो सबसे पहले बढ़ते हैं बाय की तरफ जो पहला है जी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें टारगेट जो आपको एक्सपेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं फाइव जीरो टू स्टॉप जो आपको मेंटेन करके रखना होगा फोर ट्वेंटी एट का मिनिमम रिटर्न्स जो आपको दे सकती है मंथली के अंदर एट परसेंट का दे सकती है मैं आपको इसमें जो बाय करने की सलाह दूंगा वो मैं आपको अराउंड दूंगा 470 या 468 के आसपास के क्योंकि अभी ये अराउंड चल रहा होगा 475 सो गैस मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे बाय करिएगा 470 या 468 के आसपास क्योंकि गाइस इसने ना कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है ब्रेकआउट देने का मतलब ये हुआ है कि वहां से वो एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा और हम लोगों को बाइंग लेवल जरूर देगा बाय करने के लिए तो गाइस हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी

गाइस ज्यादातर मैंने चार्ट्स में कुछ भी नहीं करा सिर्फ एक फिबोनाची एक दो मूविंग एवरेजेस और सिर्फ ट्रेंड लाइंस so, बढ़ते चार्ट्स की तरफ देख सकते हैं अब मैंने जी एंटरटेनमेंट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कुछ ट्रेंड लाइंस ही ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर और ट्रेंड लाइंस के साथ मूविंग एवरेजेस है अब हमें देखना बाकी है कि अब मैंने इसमें क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपको दी है कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए जी इंटरटेनमेंट के अंदर गाइस सबसे पहले हमें एक इसमें ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके देखना है कि इसका सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस का है तो हमने एक जब इसकी ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करा तब हमें पता चला कि ये एक चैनल में वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से जी इंटरटेनमेंट यहाँ से मूव करती है टूवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस वहां से वापस एक हम डाउनफॉल देखते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट बनाती है सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर जाती है पर अपने फिफ्टी डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाती है वही रेजिस्टेंस फेस करती रहती है और वापस एक डाउनफॉल आती है और वापस वो, वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरफ बहुत अच्छे तरीके से लेती है गाइस फिर उसके बाद हम देखते हैं ये ब्रेकआउट आ जाता है इसका ब्रेकआउट आने के बाद वापस ब्रेकआउट आता है और वो ट्रेंड लाइन की तरफ वापस बढ़ने लग जाती है पर हम देखते हैं तब न्यू हाईस बन जाते हैं अब जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर देता है और ऊपर चले जाता है और ट्रेंड लाइन पे वापस रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करती है उसके बाद एक जंप और आता है वापस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फेस करती है वापस एक वापस डाउनफॉल आ जाती है कैसे जब आप देख सकते हैं ये एक चैनल के अंदर बंद हो चुकी है जी एंटरटेनमेंट और चैनल यहाँ पर था जब मार्केट फॉल करी थी और हमने इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी सोची थी जो कि था फोर का लेवल फोर फिफ्टी के लेवल पे मैंने सोचा था कि हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है

गुड वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर दिया कई अब हमें देखना ये है कि जो मार्केट है जो जी एंटरटेनमेंट है वो वापस अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ती है और जो इसका स्विंग हाई है उसे वो ब्रेक करती है जी हाँ वो कर सकती है और जो ट्रेंड लाइन का जो अब एक रेजिस्टेंस बन रहा है वही एक उसके साथ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज जो हंड्रेड डे का है वही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और वही पूरा बना रहा है तो मुझे बाइंग लेवल तो में आपको दे रहा हूँ बाइंग लेवल इन द सेंस डे इसनेशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा सा नीचे डिप देगा हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए हमें बाय जो इसमें करना है वो हमें जो बाइंग लेवल पता लग रहा है वो हमें पता लग रहा है कि आपको जो इस लेवल को बाय करना है वो करना है आपको अराउंड 468 या 465 ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइज आपके लिए बाय करने के लिए फिर अ टारगेट ऑफ 502 या 508 स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना होगा 428 का मेंटेन करना होगा गाइज सो so गाइज अब हम बढ़ते हैं दूसरे चार्ट की तरफ जो है एच टेक गाइज एच टेक की तरफ हम बढ़ते हैं आपको मैं एक जी एंटरटेनमेंट में और एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा जो एक मूव दिया है अपवर्ड अपवर्ड देने के बाद मार्केट एक डाउनफॉल आती है फिर एक मूव देती है जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई होता है उसको ब्रेक कर देती है आप यहां से देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसे मार्केट ने ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस नीचे लिया आती है पर जो इसका स्विंग लो है उसे ब्रेक नहीं करती है प्रीवियस स्विंग लो अब वहां से हम देखते हैं कि मार्केट एक रिकवरी दिखाती है रिकवरी दिखाने के बाद अब जो टारगेट एक्सपेक्टेड होते हैं वो होते हैं प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर के सो so गाइस ये से कहते हैं साइफर पैटर्न अगर आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि मैंने साइफर पैटर्न के बारे में भी बहुत जगह बात कर रखा है बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में बात कर रखा है तो इसे कहते हैं हम साइफर पैटर्न सो so ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जी को बाय करने के लिए टेक्नोलॉजी अब इसमें क्या क्या करके चल ये सजेस्ट कर रहा है उसके बारे में भी हम हम देखेंगे हमने देखा था कि जो इनिशियली जो एच सी एल टेक है उसमें एक अच्छी खासी फॉल आई थी और उसने जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां पर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी और सपोर्ट जब उसने लिया तो हमें पता चला कि वहां पर उसने एक डबल बॉटम बनाया है गाइज डबल बॉटम कैसे बना वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आप देख सकते हैं कि मार्केट ने फॉल ली फॉल लेने के बाद मार्केट एक रेंज में चली गई रेंज में आपको मैं ये भी दिखा देता हूं आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ये डबल बॉटम फॉर्म करा है। ये मैं थोड़ी लाइन करेक्टली नहीं बन पाई है पर गाइस ये एक डबल बॉटम ही है आप देख सकते हैं जब अपने चार्ट्स ओपन करेंगे आप देखेंगे कि 932 के अराउंड मार्केट या एच सी टेक ने एक डबल बॉटम बनाया और वहां से हमने एक, देखी। अब मैं आपको एक दिखाना जो, बनाया जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, का काम करेगा जो की लेवल है नाइन का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइन उसके बाद मार्केट इस रेंज में भी रही जो कि इसका हम कह सकते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज है यानी कि

तो वो हमारी मार्केट के लिए भी एक अच्छी बात है दूसरी बात आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी जो एच टेक काम कर रही है वो कर रही है 560 के के अराउंड यानी कि 20 टू 25 पॉइंट्स मिनिमम अभी भी हमें टेक अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर थोड़ा हमें इसमें फॉल दिखने को मिलता है या थोड़ा हम देखते हैं कि मार्केट हमें एक डिप दे रही है और एच सी एल टेक्स में हमें डिप मिल रही है तो हम जरूर इसे बाय करेंगे फॉर अ मिनिमम टारगेट ऑफ 985 एंड अ हाईएस्ट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है थाउजेंड का मैं आपको इसमें वीकली चार्ट में लेकर जाना देखा उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हो रहा है वीकली चार्ट में हमने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन करी है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हंड्रेड डे की मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन है बिल्कुल सेम तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं एच टेक को आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई थी वीकली चार्ट आप ये शो कर रहे हैं एच टेक ऊपर गया था वापिस उसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया वापस मार्केट ऊपर गई वापिस उसने सपोर्ट लिया यानी कि पूरे महीने एच सी टेक हम देख सकते हैं कि चार वीक है तो चारों वीक मार्केट ने एच सी टेक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा हम देख सकते थे कि वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहे थे पर उसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर एक साइडवेज कैंडल बनी हुई थी जो कंजर्वेटिव कैंडल थी उसमें भी हमने देखा कि रेड कैंडल वॉल्यूम्स बहुत कम थे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था पर अब इसमें बाइंग प्रेशर बन रहा है पॉजिटिव वे में एचल अब एक आउट परफॉर्म कर सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ थाउजेंड किस तरीके से हमें ले रहे हैं। भी मैं आपको बताना चाहूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो राजा बैटरीज है ये दो जगह कंसोलिडेट कर रहा है यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसने जो हम इसका फेबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनाया है कहाँ से बनाया है हमने बनाया है एट जो इसका हाई है और जो इसका लो है सिक्स का गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये इसका जो हाई बना हुआ है प्रीवियस हाई था एट जीरो थ्री का था जो इसका लो था वो सिक्स एटी थ्री का था यहाँ पर हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को करा उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो HCL, जो बैटरीज है वो पूरे के पूरे टाइम सिक्सटी वन परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल जो है उस उसमें ही कंसोलिडेट कर रहा है ये है ये जो लाइन आपको शो कर रही है ये सिक्सटी वन परसेंट का रिट्रेसमेंट लेवल है मिड लाइन जो है वो फिफ्टी परसेंट है और जो बॉटम लाइन है वो है थर्टी एट पॉइंट टू परसेंट जो ये आपको थ्री लाइन शो कर रही है गाइस इसी के रेंज में ही ये अमर राजा बैटरी स्ट्रेट कर रहा है और इसको नहीं क्रॉस करना चाहता सो so गाइस अब हमें देखना ये है कि ये किस तरीके से वर्क करता है अब हम इसके अगर आर एस आई को ध्यान से देखें तो आर एस आई में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर एस आई ने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है ये लेवल पे ये लेवल आपको शो कर रहा होगा ये लेवल पे आर एस आई ने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है जो एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाती है आने वाले टाइम कि अगर ये सेवन थर्टी का लेवल ब्रेक करता है और उसे होल्ड करता है सो तो हम इसके टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिक्स एट्टी जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है वहां तक अमर राजा बैटरी वापिस जा सकती है So सो तीन स्टॉक्स बहुत आसानी से हमें मिल गए और अब इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड लेकर जा सकते हैं अब आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कैश में लेना है फ्यूचर्स में लेना है ऑप्शन में लेना है ऑप्शन में ले रहे हैं तो किस तरीके से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फ्यूचर्स में ले रहे हैं तो कैसे हेजिंग करके चलेंगे तो सारी अगर आपको चाहिए तो वो आप खुद सर्च करिए अपने बात करिए चार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए अब आपको पता ही कि आपको किस लेवल पे बाय करना है क्या स्टॉप लॉस है क्या टारगेट मेंटेन में सो गाइज so अब सब आप आपके ऊपर है मैं आपको इसे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय या सेल करने की सिर्फ मेरे पास जो कमेंट सेक्शन में क्वारी आई थी कि मुझे चार्ट रिकमेंड करके बताइए कौन से स्टॉक्स चार्ट के बेसिस में सो so गाइज मैं ही वो आपको बता रहा हूँ मेरी वीडियो वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन से कौन से ऐसी ऐसी वीडियोस चाहिए जो मैं आपके लिए बनाते रहूं जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होती रहे गाइस मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साइड में जो बेल का आइकन है उसे जरूर दबाइएगा बेल आइकन दबाते हुए होगा ये कि जो भी मेरी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके पास आती रहेंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल या आपके ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगी कि मेरी वीडियो अपलोड हुई है और आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं सो so गाइज मैं मिलता हूं आपसे कल नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साइनिंग ऑफ